गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13, टाइम एंड मोशन. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम एंड मोशन. यू नो दैट यू डू मोस्ट ऑफ योर डे टू डे वर्क एट अ सर्टन टाइम. द नॉलेज ऑफ टाइम इज एसेंशियल फॉर कैरिंग योर डेली एक्टिविटीज एंड यू नीड टू नो द टाइम व्हेन यू स्कूल इज ओवर and the time for your favorite television program and the time you should go to bed etc. यानी कि आप अपनी daily life में जितने भी work करते हों उन सभी के लिए आपने एक time management रखा है और सभी time के according करते हैं. जैसे कि सोने के लिए आपको कितना time चाहिए, morning में school जाना है तो आपको किस time पर पहुँचना है, ठीक है, lunch time आपका क्या है, उसके अलावा कोई फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम आपका जो जैसे कि 7 बजे आता है, 8 बजे आता है, तो इसके लिए आप एक टाइम के ऊपर डिपेंड रहते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग वो सारी एक्टिविटी या डे टू डे जो वर्क है वो आप करते हो, ठीक है. तो हम इस टाइम को कैसे पता लगाएंगे, आज हम इस टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि हम टाइम को कैसे जानते हैं या किस हेल्प से देखते हैं या कैसे पता लगाते हैं कि हमें कब कौन सी चीज़ करनी है. तो आज ओवरऑल हम इस टाइम वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी नो दैट द टाइम विथ द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस. और हमें पता है कि ये जो टाइम देखना है, जैसे कि मैं कुछ डिजिट्स के फॉर्म में टाइम को बताती हूँ, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, या तो क्लॉक्स, ठीक है, वॉचेस, इन सभी में देखकर पता लगाते हैं. तो हाउ डिड पीपल इन एंशियंट टाइम गेट टू नो द टाइम. मतलब पुराने समय में जब ये वॉचेस नहीं होती थी, क्लॉक्स नहीं होती थी, तो फिर पुराने लोग इस टाइम का पता कैसे लगाते थे. पुराने लोगों को कैसे पता होता था कि इतनी बजे मॉर्निंग में उठना है, इतने टाइम तक उनका घर का सारा काम वो ख़त्म कर लेते थे, उनका वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, ये सब वो कैसे पता लगाते थे. सो मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम. तो आज हम पहले पुराने समय में टाइम का मेजरमेंट कैसे होता था उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव अ क्लॉक्स और वॉचेस फॉर नोइंग द टाइम, यू नो नाउ, बट दोज पीपल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम. उनके पास घड़ियाँ नहीं होती थी लेकिन फिर भी वो टाइम को इम्पोर्टेंस देते थे. अवर एंसेस्टर यानी हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर दैट मीन्स पूर्वज, यूज्ड सम नेचुरल इवेंट्स विच रिपीटेडली रेगुलरली आफ्टर डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ मेजर टाइम टू मेजर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स जो लगातार या डेली रिपीट होते रहते थे उन्हीं के बेस्ड वो टाइम को समझते थे और उसी के बेस्ड टाइम को मेजर करते थे. देखिए, जैसे कि वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, यानी कि एक बार सूर्य उदय हो गया उसके बाद नेक्स्ट सूर्योदय जब भी होगा उन्हें वो एक दिन के नाम से समझते थे, ठीक है. तो डे और सोलर डे, सोलर डे भी कहा जाता था या डे भी कहा जाता था. तो उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि 24 आवर्स होते हैं डेज़ में या डे क्या होता है. उन्हें बस इतना समझ होता था कि वन सनराइज़ से लेकर तो नेक्स्ट सनराइज़ तक का जो बीच का टाइम है वो पूरा वन डे कहलाता है. द टाइम टेकन बिटवीन द बिटवीन वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून वॉज कॉल्ड अ मंथ. और उन्हें पता था कि जब चंद्रमा, चांद अपनी 16 कला पूरा करता है, यानी कि पहले आपने देखा होगा वो पूरा गोल रहता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि अमावस्या वाली कंडीशन, और धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू करता है. तो वन फुल मून से लेकर तो नेक्स्ट फुल मून तक का जो टाइम रहता है उसे वो वन मंथ कंसिडर करते हैं, ठीक है. नाउ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. और जब अर्थ सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है तो उसे क्या कहा जाता था, वन ईयर या एक साल कहा जाता था. तो कुछ इसी तरह वो सूरज, चांद, ठीक है, अर्थ, इन सभी के मोशन के अकॉर्डिंग ये पता कर लेते थे कि दिन है, मंथ है या ईयर है, ठीक है, इस टाइम का पता लग जाता था. नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये था कि आप वन सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक के बीच का टाइम आप वन डे कहते हो, लेकिन उस बीच में अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मापना है, यानी कि एक दिन से भी कम टाइम को मेज़र करना है, तो
तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्लॉक्स और वॉचेस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं छोटे इंटरवल ऑफ टाइम को मेज़र करने के लिए, और इन्हीं के हेल्प से हम टाइम को एक्यूरेटली मेज़र भी कर पाते हैं। तो ऑल दी क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिक मोशन। और सारी क्लॉक और वॉचेस किस पर काम करती है? पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन मतलब किसी रेगुलर इंटरवल और टाइम में किसी भी चीज़ का रिपीट होते रहना, ठीक है, ये पीरियडिक मोशन होता है। तो यहाँ वॉचेस के अंदर पीरियडिक मोशन कैसे होता है? उसके जो निडल होते हैं, मिडिल हैंड, सेकेंड हैंड, ठीक है, और आर्स हैंड होता है, ये तीनों हैंड किसी फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं बीच में, और चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की पीरियडिक पोजीशन कवर करते हैं, सभी पीरियडिक मोशन करते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट सर्कल उसी पाथ पर फॉलो करते रहते हैं, इसलिए हमने इसकी मोशन को पीरियडिक मोशन कहा है। तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि अ मोशन विच रिपीट्स इट्सेल्फ, ऐसी मोशन जो खुद को रिपीट करती रहती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। सबसे कॉमन डिवाइस होती है पीरियडिक मोशन को मेजर करने की, सिंपल पेंडुलम। आज हम पीरियडिक मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसे मेजर कैसे कर सकती हूँ। बहुत सिंपल डिवाइस है पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल, नीचे की तरफ एक छोटी सी बॉल होती है मेटल की, और उस बॉल को हम कहते हैं बॉब, एंड सबस्टेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और एक धागे से बंधी हुई होती है, और वो धागा ऊपर की ओर एक फिक्स्ड या रिजिड सपोर्ट से अटैच होता है। यानी नीचे वाला एंड जो बॉल वाला है वो फ्री होता है, और ऊपर धागे को एक खील से या एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से बांध दिया जाता है, ठीक है। और वो जो नीचे बॉब रहता है वो अपनी मिडिल पोजीशन के दोनों ओर मोशन करता है, जिसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि ये बॉब है और ये थ्रेड से इसे बांध दिया गया है, तो अब ये बॉब कैसे मोशन करेगा? अपनी ये इसकी मिडिल पोजीशन है जहाँ पर ये अभी ठहरा हुआ है, अगर ये मोशन करेगा तो ये कैसे करेगा? ये या तो आगे की तरफ जाएगा अपनी मिडिल पोजीशन से आगे, या मिडिल पोजीशन से पीछे, जिसे हम कहते हैं बैक फोर्थ मोमेंट। ये जो मोमेंट है उसे क्या कहते हैं? बैक फोर्थ मोमेंट कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले इसे किसने निकाला था, किसने खोजा था? गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने इसे पता किया था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पीरियडिक मोशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस होती है। अब सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम। हमें पता है कि जो लेंथ, यानी कि उस पेंडुलम की जो बॉब है वो जिससे बंधा है वो धागा, ठीक है, इस पेंडुलम की लेंथ किस पर डिपेंड करेगी? इस थ्रेड पर करेगी। जितना लंबा पेंडुलम होगा इसका मतलब वो थ्रेड उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो बॉब लेंथ क्या होगी? इस बॉब से लेकर इस रिजिड सपोर्ट तक के बीच की डिस्टेंस इस पेंडुलम की लेंथ कहलाती है, ठीक है, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इस थ्रेड की लेंथ इस बॉब के सेंटर पॉइंट से मेजर करी जाती है, से लेकर तो इस रिजिड सपोर्ट तक मेज़र की जो डिस्टेंस होती है वो इसकी लेंथ कहलाएगी। नाउ मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। मीन पोजीशन मतलब जहाँ वो पोजीशन जहाँ पर बॉब रेस्ट कंडीशन में, जब भी बॉब रेस्ट कंडीशन यानी मोशन नहीं कर रहा है तो वो जस्ट स्ट्रेट कंडीशन रहेगी उसके लिए, और वो मिडिल कंडीशन या मीन पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। नाउ एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जब बॉब मोशन करता है तो अपने मीन पोजीशन से वो जितना मैक्सिमम आगे की तरफ डिस्टेंस कवर करता है या पीछे की तरफ डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन की अगर बात की जाए तो ए इसकी मीन पोजीशन है और बी और सी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी मीन पोजीशन से जितना भी आगे की तरफ गया है, जितनी डिस्टेंस इसने कवर की है, ये जो कंडीशन है ये हाइएस्ट है। जैसे आप नॉर्मली झूला झूलते हैं तो आपने देखा होगा कि झूला एक लिमिट तक ही आगे तक जाता है, तो जितनी हाईएस्ट पोजीशन तक जाए वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो यहाँ बी और सी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम मतलब एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन करने में। टू एंड फ्रो मतलब अपनी मिडिल पोजीशन के आगे और पीछे जाने, दोनों साइड में एक कंप्लीट मोशन जब हो जाती है टू एंड फ्रो, ठीक है, किसकी? उस बॉब की। किसके अबाउट? उस मेन पोजीशन के अबाउट, उसे हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। अब फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी
एंड देन अगेन बैक टू कम ए, यानी कि एक ऑसिलेशन कैसे काउंट करेंगे, मीन पोजिशन से वो पहले कहाँ गया, बी पे, यानी मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गया, देन बी से वो सीधा कहाँ जाएगा, वापस आकर सी तक जाएगा, यानी जितना आगे गया उतना ही कहाँ जाएगा, पीछे, यानी ए से बी, बी से सी, और सी से अगेन वो वापस कहाँ जाएगा, ए पर। तो ये कहलाता है वन ऑसिलेशन, यानी कि अपने मिडिल पोजिशन से जितना टू गया, देन फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे जाना, तो मिडिल पोजिशन से जितना आगे एक्सट्रीम पे गया उतना ही पीछे गया और वापस मिडिल पर आ गया, तो ये पूरी मोशन कहलाएगी वन ऑसिलेशन, ठीक है। और वन ऑसिलेशन मतलब ए टू बी और देन बी से सी और सी से अगेन ए पर आ जाए तब कहलाता है। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो जब कोई पेंडुलम ऑसिलेट होता है, ठीक है, ऑसिलेशन करता है, तो अपने टू एंड फ्रो मूवमेंट में वो जितना भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है बॉब का अपनी मेन पोजीशन से, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए से लेकर वो जितना बी तक गया ना, ए भी इसका एम्पलीट्यूड है, या ए से सी तक भी इसका एम्पलीट्यूड माना जा सकता है। अपनी मेन पोजीशन से जितना आगे की तरफ हो जाता है, जितना डिस्प्लेस होता है, तो उतनी डिस्टेंस उसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। यानी कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी और ए सी आप कहेंगे, यानी ए से बी की तरफ जाना और ए से सी की तरफ जाना, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि किसी भी बॉब को एक ऑसिलेशन करना, आप समझ गए बहुत अच्छे से, पर एक सेकेंड, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे कि हमने एक ऑसिलेशन को समझा था कि बॉब का अपनी मिडिल पोजिशन से आगे की तरफ जाना, आगे से पीछे जाना और पीछे से वापस मिडिल तक आना, ये आपका वन ऑसिलेशन था, ठीक है। अब उस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा वो उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ की बारंबारता या बार बार होना, यानी कि एक सेकेंड में कोई भी सिंपल पेंडुलम जितने ऑसिलेशन पूरे करता है, यानी मैंने एक सेकेंड का अगर टाइम दिया और एक सेकेंड में वो जितने ऑसिलेशन पूरे करेगा उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑसिलेशन का मतलब आप अच्छे से समझ गए तो आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ जाएगी। ऑसिलेशन सिंपल एक मिडिल पोजिशन से स्टार्ट होकर दूसरी बार मिडिल तक आने का समय है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करने के बाद। तो एक सेकेंड में ऐसा जितने भी ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे वो उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम उसे टोटल ऑसिलेशन में लगा, ठीक है, एक सेकेंड के अंदर कितना टाइम, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन पूरे किए। नाउ टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड डिटरमाइन करना है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ कि इस तरीके से आपने एस नाम का एक रिजिड सपोर्ट लिया, एक स्टैंड ले लिया है, ठीक है। इस स्टैंड के सबसे टॉप कॉर्नर से आपने पेंडुलम को बांध दिया है यहाँ से, और ये थोड़ा सा एंगल लगी हुई है ऐसा इसलिए ताकि पेंडुलम इस टेबल से ना टकराए, हवा में रहे, दूर रहे, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी मिडिल मार्क कर सकते हैं इस टेबल पे, ताकि आपको समझ में आए कि ये जिस बिल्कुल रेस्ट में रहेगा तो ये इसका मार्किंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर से मिडिल पोजिशन है और ये रिजिड सपोर्ट हो गया, आपको साथ में एक स्टॉप वॉच लेनी है, ठीक है। स्टॉप वॉच ऐसी होगी कि जैसे ही कोई पर्सन, एक पर्सन यहाँ खड़ा रहेगा, इस बॉब को खींचेगा आगे की तरफ, ठीक है, और ये बॉब को जैसे ही वो आगे की तरफ खींचेगा वहीं से स्टॉपवॉच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ऑसिलेशन काउंट करना है, कितने ऑसिलेशन काउंट करने हैं, टोटल 20, कितने 20, और एक साइड आपको स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप इसको यहाँ तक खींचेंगे उसके बाद अब स्टॉपवॉच यहीं से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से पहले ए पर जाएगा, ए से सी पर जाएगा और सी से अगेन बी पर जाएगा, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया, देन अगेन ए पर जाएगा, सी पर जाएगा और फिर बी पर जाएगा, ये दूसरा ऑसिलेशन हो गया, देन अगेन ए फिर देन सी देन बी, ये तीसरा ऑसिलेशन हो गया। तो इस तरीके से टोटल आपको वो बॉब को एक ही बार खींच कर छोड़ देंगे आप, तो वो लगातार ऑसिलेट होता रहेगा, तो वो जितना भी ऑसिलेट होता रहे, 20 ऑसिलेशन
जैसे ही पूरे हो जाते हैं आप स्टॉपवॉच बंद कर देंगे, तो 20 ऑसिलेशन में टोटल कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर अ 20 ऑसिलेशन मान लो कितना टाइम लगा, टी सेकेंड लगे। अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ टी एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा, जब 20 में इतना लगा, मान लो 50 जितने भी सेकेंड लगे हों, तो यहाँ पर टी सेकेंड मान लिया। तो अगर एक ऑसिलेशन निकालना है तो ये 20 कहाँ चला जाएगा, टी के अपॉन में। तो 1 ऑसिलेशन इक्वल टू टी बाय 20 सेकेंड, ये एक ऑसिलेशन का टाइम निकल गया। तो इस तरीके से आपको एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है और बहुत ईजी है, जो आगे आपको हायर क्लासेस में भी इसका प्रैक्टिकल आता है। इससे कंक्लूजन क्या निकला, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम एंड इट्स मेन पोजिशन एंड मास ऑफ द बॉब। यानी कि आप एक बार उसे डिस्प्लेस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी पर डिपेंड रहे। हर बार वो क्या होता है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा और बॉब रुकने की कोशिश करेगा। तो हर टाइम में ऑसिलेशन का जो टाइम है हर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, सेकेंड है उसकी मेन पोजिशन पर, ठीक है, और मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ उस पर, और दूसरा है मास पर, यानी कि बॉब का वेट या मास कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। किस पर डिपेंड करेगा, सिंपल पेंडुलम की लेंथ पर, ठीक है, क्योंकि अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे और फिर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा, और जब आप लेंथ को छोटा करके फिर उस पर 20 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल गिवन है कि मान लो एक सिंपल पेंडुलम है 32 सेकेंड लगाता है 20 ऑसिलेशन करने में, तो उसका टाइम पीरियड कितना है एक ऑसिलेशन का। तो देखो 20 ऑसिलेशन इक्वल टू कितने सेकेंड, 32 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन इक्वल टू 32, ये 20 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 32 डिवाइड बाय 20, तो कितना हुआ 1.6 सेकेंड। यानी कि इसका एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना रहा, 1.6 सेकेंड, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये तो एक सिंपल पेंडुलम था। नाउ अब हम यहाँ देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज यूज इन अ पेंडुलम क्लॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेंडुलम क्यों पढ़ाया जा रहा है। अभी हम लोग 1 डे, 1 मंथ और 1 ईयर की बात कर रहे थे एंशियंट टाइम में, और वहीं से हमने फिर स्टार्ट किया कि अगर हमें 1 डे से कम टाइम को मेज़र करना हो, एक दिन से कम टाइम मेज़र करना हो, तो हम पेंडुलम को यूज़ करते हैं। अब ये जो पेंडुलम आपने जो पढ़ा, ये कंसेप्ट कहाँ लगाया गया था, ये पुराने टाइम में आने वाली पेंडुलम वाली क्लॉक के अंदर इसका कंसेप्ट यूज़ किया गया था, ठीक है। इस तरह से पेंडुलम, ये जो ऑसिलेशन होता था पेंडुलम का, वो हैंड के क्लॉक जो चलते जाते थे उसको मेज़र करता था, मतलब उसको कंट्रोल करने का काम करता था। हैंड जो लगे रहते थे, यानी कि जो वॉच के हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर्स हैंड, ये सब जो होते थे, ये इस पेंडुलम की मोशन से कनेक्ट होते थे। तो जैसे जैसे पेंडुलम मूवमेंट करता था वो उसे आगे की तरफ बढ़ाते जाते थे और हैंड्स चलते जाते थे, जिसके कारण आप घड़ी में टाइम देख सकते थे और टाइम लगातार बढ़ता जाता था। तो ये सारा जो कंसेप्ट सिंपल पेंडुलम का था, ये शुरुआत में उनकी वॉचेस में यूज़ किया गया, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक्स बनी इसकी। नाउ अ मैकेनिकल रिस्ट वॉच डज नॉट हैव अ पेंडुलम। अब देखो होता क्या है कि क्लॉक्स मतलब जो दीवार घड़ियाँ आती है उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ सारे नंबर से और हैंड से और नीचे की तरफ पेंडुलम चलता रहता था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हैंड वॉच यानी रिस्ट वॉच में तो पॉसिबल नहीं है ना, जो कलाई पर बनती है वो घड़ियाँ, वहाँ पर पेंडुलम कैसे रखेंगे। तो वहाँ पर बैलेंस व्हील रखा जाता था जो कि इस मोशन को कंट्रोल करता था, हैंड मोशन को कंट्रोल, ये जो वॉच के जो हैंड्स है उसकी मोशन को कंट्रोल करता था। नाउ दिस डे मोस्ट ऑफ अस यूज अ क्वार्ट्ज क्लॉक एंड वॉचेस। यानी हम अभी क्वार्ट्ज की घड़ियाँ यूज़ करते हैं और वॉचेस भी वही यूज़ करते हैं। दीज वॉचेस मेजर द टाइम एक्यूरेटली, ये टाइम को अच्छे से और एक्यूरेटली मेज़र करते हैं। क्वार्ट्ज हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेटिंग व्हेन अ सब्जेक्टेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जो क्वार्ट्ज होता है ना, वो क्या होता है, इन घड़ियों में लगा होता है, जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसे हल्की सी इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे ना तो वो उसका ऑसिलेशन होना शुरू हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किसकी हेल्प से दे देते हैं,
हम उसे सेल की हेल्प से देते हैं। ये जैसे घड़ी में सेल लगाए ना, और ये गियर्स ऐसे गोल गोल, आपको इसमें वो गियर्स नज़र आएंगे, ऐसे छोटी छोटी चक्री टाइप होते हैं जो एक घूमता है तो दूसरे को घुमाता है, और इसकी हेल्प से फिर वो जो वॉचेस के हैंड होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉच का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सेल के थ्रू भी चल जाते हैं। ठीक है, और इन घड़ियों में हमें सेल की रिक्वायर्ड होती है। द क्वार्ट्ज क्लॉक आर मोर एक्यूरेट देन अ पेंडुलम क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक पेंडुलम क्लॉक से ज़्यादा एक्यूरेट टाइम हमें दिखाती है। नाउ फॉर मेजरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मान लो हमें बहुत छोटा टाइम मेज़र करना है, यानी कि सेकेंड्स में मेज़र करना है, तो हम उसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। जैसे अभी जो प्रैक्टिकल में मैंने आपको कहा था, स्टॉप वॉच स्टार्ट की करना होता है, 20 ऑसिलेट काउंट करना होता है, तो वहाँ पर आप स्टॉप वॉच, यानी कि वो बिल्कुल आपको सेकेंड में भी एक्यूरेट टाइम गिवन प्रोवाइड करवाती है। इट कैन बी मेड अप ऑफ स्टार्ट और स्टॉप विद द हेल्प ऑफ पुश बटन। इसमें पुश और बटन होते हैं, जैसे ही बटन दबाया टाइमिंग काउंट हो गया, और नेक्स्ट टाइम पुश किया तो वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम को स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स हो रहे हैं, रनिंग टाइम कैलकुलेट करना है उसमें मेज़र करने में, या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ हमें बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मेज़र करना है, वहाँ यूज़ करते हैं। इट कैन मेज़र 1/10 ऑफ अ सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड का 1/10 पार्ट भी, मतलब सेकेंड से भी छोटा टाइम ये मेज़र कर सकती है। फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक्स आर बीइंग यूज्ड। और बहुत ज़्यादा प्रीशियस और एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया जाता है। ये वाइब्रेशन ऑफ एटम, मतलब सोचिए आपके कितनी छोटी क्वांटिटी पर बनी हुई है, मतलब वाइब्रेशन ऑफ एटम, मतलब एटम जितना जिस हिसाब से वाइब्रेट करते उसको भी आसानी से मेज़र कर लेती है, उसके वाइब्रेशन टाइम को भी मेज़र कर लेती है। अब देखो, अ टाइमर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक। अब टाइमर की जब भी बात आती है तो ये एक ऐसी क्लॉक होती है जो किसी भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं कि जब वो गोल घूमती है और एक राउंड पूरा कर लेती है कपड़े धोने के लिए, तो ऑटोमेटिक उसमें सायरन बजना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक टाइमर क्लॉक है। और उसके अलावा ड्रेन करना है वॉशिंग मशीन में, तो वो एक टाइमर क्लॉक है। माइक्रोवेव्स ओवन में अगर खाना पक जाता है, या आपने जो टाइम सेट कर रखा है तो उसके बाद भी एक सायरन देना, मतलब ये एक तरह से टाइमर क्लॉक ही हुआ, जो आपके द्वारा डिसाइड किया गया छोटा सा टाइम इंटरवल है उसको मेज़र कर लेती है। ठीक है, जिसमें और ट्रैफिक सिग्नल वाली वे भी आपने टाइमर क्लॉक लगा रखी है, वहाँ पर भी आप देखोगे कि 15 सेकेंड के बाद ग्रीन लाइट, येलो लाइट कब होना है, रेड लाइट कब होना है, ये ऑटोमेटिक अंदर सेट होता है। तो एक बार ही हमें टाइम इंटरवल को सेट करना होता है, उसके अलावा फिर वो अपने हिसाब से चलती रहती है। तो ऐसी वॉचेस को हम टाइमर क्लॉक कहते हैं। नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट दैट मीन्स इसे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक कॉमन यूनिट अगर टाइम की काउंट की जाए तो वो सेकेंड होती है। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इट्स रिटन इन एस। एस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट। अगर आप सेकेंड से बड़ी यूनिट देखेंगे तो मिनट होता है, और मिनट से बड़ी होती है आर्स। ठीक है, मिनट को आप एम आई एन करके लिखेंगे और आर्स के लिए आप एच यूज़ करते हैं। अब कुछ रिलेशन यहाँ पर गिवन है, जैसे कि सेकेंड से बड़ी मिनट होती है, तो 60 सेकेंड जब होते हैं तब 1 मिनट कंप्लीट होता है, जब 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तब 1 आवर कहलाता है, जब 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं तो 1 डे कहलाता है, जब 30 डेज होते हैं तो वो 1 मंथ के बराबर होते हैं, 12 मंथ होते वो 1 ईयर के बराबर होता है, और इस तरह से 1 ईयर के अलावा 10 ईयर अगर टोटल हो जाते हैं तो उसे 1 डिकेड कहते हैं, और ये जो 10 डिकेड्स हो जाए, यानी कि पूरे 100 साल हो जाए, जिसे हम एक सेंचुरी कहते हैं, और इसी तरह 10 सेंचुरी यानी कि 1000 ईयर हो जाए तो उसे हम 1 मिलेनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने टाइम के बारे में डिस्कस किया। अब इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है मोशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।